यहाँ पर इंटरेस्टिंग जानकारी निकल कर है रेडमी की तरफ से, तो आगे जब वीडियो के अंत तक देखते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हो सके तो लाइक जरूर कर देना से भी ना भूले, और यहाँ पर एक लाइक बनता भी है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो खैर अपने मुद्दे पर निकल कर आते सामने आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें पता लग गया है कि आपको रेडमी का स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 64 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कैट की इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको आंख पर जूम कर दिखाया गया है कि आपको क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी बेहतरीन। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं सैमसंग GW में सेंसर देखने को मिलेगा क्योंकि फिलहाल मार्केट के अंदर वही अवेलेबल है 64 MP का सेंसर। और साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दूं जिस तरीके से सैमसंग GM1 सेंसर देखने को मिलता था जो आपका इंडिया के रेडमी नोट एस और चाइना के रेडमी नोट 7 के अंदर देखने को मिलता है, जो आपको रियल 48 MP देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जबकि बात कर जाए सोनी के सेंसर की 586 जो आपका नोट 7 प्रो में है वो आपको रियल 48 MP देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से जो आपका GW1 सेंसर देखने को मिलता है वो आपका रियल 64 MP का नहीं है, पर यहाँ पर आपको बता दूं रियल टाइम HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला है लो लाइट फोटोग्राफी के अंदर। और इनफैक्ट जो आपका सोनी के सेंसर है 48 MP का उससे भी बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलेगी लो लाइट के अंदर। और बाकी अगर सैमसंग का सेंसर है तो सैमसंग के फोन में देखने को मिलेगा, रेडमी का यहाँ पर कन्फर्म हो ही चुका है। पर आपको यहाँ पर बता दूं रियलमी पीछे नहीं है, उसने कुछ हफ्तों पहले टीज कर दिया था कि यहाँ पर रियलमी का फोन भी देखने को मिलने वाला है 64 MP कैमरा के साथ, और वहाँ पर तो ये भी कन्फर्म हो चुका है कि 4 कैमराज देखने को मिलेंगे पीछे के साइड। वैसे पर बात करते हैं रियलमी की तो यहाँ पर मानते हैं कि आपको जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ फोन निकल कर आना है जिसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ ऊपर देख सकते हैं जाकर, जिसका नाम जहाँ तक रियलमी एक्स प्रो रहने वाला है उसमें देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर बात कर जाए रेडमी की तो रेडमी का यहाँ पर K20 सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, Mi 3 के अंदर भी देखने को नहीं मिला है फिलहाल के वेरियंट के अंदर ग्लोबल। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी रेडमी के किस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है नया सेंसर। पर आपकी एक बात यहाँ पर कन्फर्म है, बस एक बार देरी स्मार्टफोन के अंदर देने की 64 MP का कैमरा, उसके बाद तो यहाँ पर सभी कंपनीज लग जाएंगी 64 MP का कैमरा देने में। जिस तरीके से 48 MP यहाँ पर कॉमन हो चुका है अब उसी तरीके से फ्यूचर के अंदर देखने को मिल जाएगा कॉमन 64 MP का कैमरा। वैसे कमेंट्स में आप बताना आप एक्साइटेड हो कि नहीं 64 MP कैमरा के लिए। साथ ही पर रिक्वेस्ट है छोटी सी लाइक जरूर कर देना से बिना बोले, आपका लाइक करने से बनने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी चैनल पर जाकर देखो, लाइक करने से दबा दो। मिलता है।